वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें 2a प्लस 1 बाई 2a का क्यूब फाइंड करना है। सो 2a प्लस 1 बाई 2a का क्यूब इज इक्वल टू होना चाहिए 2a का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू 1 बाई 2a प्लस 3 इंटू 2a इंटू 1 बाई 2a का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a का क्यूब इज इक्वल टू होगा 2a का क्यूब मतलब कि 8a क्यूब। और यहां पे आप अगर देखोगे तो 2a एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 6a प्लस यहां पे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 बाई 2a प्लस 1 बाई 2a का क्यूब मतलब कि 1 बाई 8a क्यूब हो जाएगा। सो यही आंसर है। थैंक यू।